इसराइल हमास युद्ध के बीच अब ऐसा लग रहा है कि इजरायली सेना गाजा में जमीनी लड़ाई में कमजोर पड़ती जा रही है और इसका सीधा फायदा हमास के लड़ाकों को मिल रहा है जो लगातार आईडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। हमास के कई लड़ाके खंडहर में छिपकर आईडीएफ के टैंकों और जवानों पर बड़े हमले बोल रहे हैं और इसी कड़ी में अब हमास ने एक और वीडियो जारी किया है। ये वीडियो पश्चिमी गाजा के तल अल ववा का है जहां पर हमास के लड़ाके इजरायली सेना के ऊपर स्नाइपर ऑपरेशन चला रहे हैं। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हमास का लड़ाका एक इमारत में छिपे आईडीएफ के सैनिक पर स्नाइपर राइफल से निशाना लगाता है। इसके अलावा दूर खड़े एक इजरायली टैंक के पास आईडीएफ के कुछ जवान मौजूद रहते हैं जिनमें से एक पर हमास का लड़ाका फायरिंग कर देता है। वीडियो में आगे देखने पर साफ दिख रहा है कि हमास का एक लड़ाका रॉकेट लॉन्चर से इजरायली टैंक और बुलडोजर पर रॉकेट दाग देता है। और इसी वीडियो में दिख रहा है कि सामने से गुजर रहे आईडीएफ के टैंक पर रॉकेट दाग दिया जाता है। इसके अलावा खान यूनिस शहर के पश्चिम में एक घर के भीतर आईडीएफ का जवान छिपा रहता है और इस जवान के ऊपर अलकुद्स ब्रिगेड के लड़ाके जोरदार हमला करते हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे हमास के लड़ाके घरों के भीतर घुसकर रॉकेट लॉन्चर से इजरायली जवान पर निशाना लगाते हैं। और जैसे ही जंगले में आईडीएफ का जवान टारगेट पर आता है वैसे ही उस पर आरपीजी रॉकेट फायर कर दिया जाता है जिसके बाद एक जोरदार धमाका होता है। और इसी वीडियो में सामने से आ रहे एक इजरायली सैन्य वाहन पर रॉकेट दाग दिया जाता है।